लाभ नहीं होगा। मुझे एक मछुआरे की कथा सुन आ रही है। एक बेटी थी किसी के घर की, उसका ब्याह मछुआरे से कर दिया। अब मछुआरों के घर तो भैया मछली का ही काम होगा, समुद्र में जाना, मछली का संचय करना और उसकी संरक्षण करना और उसको बाद में बाजारों में बेचना। और मछली का जहाँ व्यापार होता है उस बाजार से अगर कभी आप भूले से भी गुजर जाओ तो जिसको अनुभव है जानता है, घर घर भोर भयंकर बदबू वहां से आती। एक बार यात्रा के समय है, तीर्थ यात्रा रामेश्वरम की हम ले गए, तो 20-25 जन साथ थे, गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। एक बस करनी थी वहां जाकर के, और जब वह बस घूमती घाटती सब भजन गा रहे नाच रहे, अचानक से न जाने कहां पहुंच गई, धीरे धीरे बदबू भयंकर बदबू आने लगी, सब नाक में सिकोड़ने लगे, खिड़कियां बंद कर लो, नाक बांध लो, क्या हो गया कि कहां पहुंच गए। तो तब संज्ञान में आया कि आप इस समय मछली मार्केट से गुजर रही है, गाड़ी निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो गया, बड़ी कठिनाई हुई। जैसे जैसे निकले तो सांस खुली हवा में जाकर के, लेकिन जो व्यक्ति मछली का ही काम करता है, जो दिन रात वहां रहते हैं, उनको उससे क्या प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, क्यों? आदि हो गए ना उसके। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, बाजार में मंदी आ गई, मछलियां जो थी उसकी बाजार में बिकती नहीं थी, घाटा होने लगा। इस मछुआरे का पति बोला कि सुनो, तुम्हारी एक सहेली है ना, तुम बताया करती थी कि तुम्हारी एक सहेली का विवाह नगर में हुआ है, सुनो तुम अपना मछली का टोकरा लो और शहर में रहने वाली अपनी सहेली के घर चली जाओ और वहां जाकर के बेच आओ, उसके साथ कुछ मित्रता कर लो। उसको भी सुझाव अच्छा लगा, चल पड़ी कि चलो शहर जाएंगे, दाम भी अच्छा मिलेगा। सिर पर टोकरा रखा चल पड़ी। जाकर के सखी ने जब समाचार पाया तो गले मिली, इसने मछलियों का टोकरा वहीं कहीं कोर्ट में रख दिया। और वह मालिन सखी जो थी, वह जो सहेली थी, वो माली के घर प्यार रखती थी। तो माली का काम क्या है? माली के घर में फूलों का तोड़े जाना, फूलों के हारों का बनाया जाना, फूलों का बेचा जाना, और जो फूल बेचने से बच जाए उनको गीला वस्त्र देकर के ढांप करके वहीं अपने कमरे में रखे रखना, जिससे कि अगले दिन बिक जाए। अब ऐसे मालिक के घर कोई जाएगा तो चाहे ना चाहे फूलों की सुगंध से रहे आनंदित अवश्य होता रहेगा। और उस मालिन सहेली ने सोचा कि मेरी सखी बहुत समय के बाद आई है, तो इसको मैं अपने फूलों वाले कमरे में सुलाऊंगी रात को, जिससे इसी रात बहुत आराम से बीते, सुगंध युक्त इसको श्वासे आए और ये मुझे बहुत आशीष देकर ये जाएगी। फूलों के कमरे में उस मछुआरिन को सुलाया, परंतु उस मछुआरिन को रात भर नींद नहीं आ रही, कभी यहाँ करवट बदले, कभी वहां करवट बदले। वास्तविकता ये हुई कि वह फूलों की जो सुगंध थी वह उस मछुआरे में से सही नहीं जा रही थी, सहन नहीं हो रही थी, उसके सिर फटने में आ रहा था। और आखिर में जब नहीं रहा गया तो वह धीरे से दबे पांव उठ करके बाहर गई, मछलियों का टोकरा उठाकर भीतर ले ही आई, उसको सिरहाने रखा और उसी के सिरहाने फिर जब सोई, वो मछलियों की दुर्गंध जब उसकी नासिका में गई तब उसको चैन की नींद आई। तो इसलिए हमारा स्वभाव कैसा हो गया है, ये जो पंच रचित अति अधम शरीर है, इसके अंदर बैठी हुई इंद्रियां और इंद्रियों का उनके उनके विषयों में रमण करना, बस वही है दुर्गंध युक्त व्यवहार, जिसमें जीते 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 84 लाख बार जन्म हुए हैं। प्रत्येक योनि में एक बार तो मानकर चलिए हुआ ही होगा, 84 लाख योनियों में जब जन्म हुए तो बारंबार अभ्यास अपना यही बना है, केवल इंद्रियों की पूर्ति, मनमाना व्यवहार करना, अपनी बुद्धि को सबसे तेज समझना और आत्मा के स्वरूप का कभी संज्ञान लेना ही नहीं। तो इस प्रकार से अपना जीवन जो है वह मछुआरिन जैसा हो गया, जिसको 7 दिन रात यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवती कथा की सुधा अमृत उसके सुगंध आपको दी गई है। अब देखने की बात यह है कि यहाँ से लौट करके जब जाएंगे तो किस किस के घर में हम श्रीमद् भागवती ग्रंथ पधारेंगे, कौन कौन अपने घर में ये फूलों की झोली भरकर ले जाएगा, कौन कौन माला की झोली ले जाएगा, कौन कौन फूलों की सुगंध से भरी श्री कृष्ण की यह बाल प्रतिमा ले जाएगा और अपने घर में नन्हे कृष्ण को पुत्रवत प्रेम करते हुए इसको धारण करेगा, कौन कौन है जो श्री राधा राम की सुगंध को अपने दोनों कर्णों से पान करते हुए हृदय में विराजमान करवाएगा, और कौन ऐसे है जो सब कुछ यही छाड़ कर फिर से उसी इंद्रियों की सड़ी दुर्गंध में जाकर सोने के लिए तैयार हो।
जय विराट श्री महाराज जी के नित्य सत्संग से जुड़े रहने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।